जौन बोलब तौन भोजपुरी में। सबसे पहले तहे दिल से आशीर्वाद बा कि दिव्या द्विवेदी पाटिल जी के निर्मातृवाणी है के फिल्म महासंग्राम और महासंग्राम जौन टाइटल बटे ओकरा साथे न्याय करत महाअभिनेता रियल अभिनेता गाना गा के लेखन आए। मैं किसी के ऊपर कुछ बोल नहीं रहा, गाना गा के लेखन आए। मैं गाना गावला पर एगो पॉपुलरिटी पहले से रहे, जो भी गायक बा अगर वो नायक भइल बटे तो पहले से कुछ ओकर दर्शक बा श्रोता बा। लेकिन यहाँ तक गेहूँ अपने बोक बा, अपने काटे के बा, फिर अपने दावे के बा, अपने चाले के बा, पिसवाओ के बा, फिर आटा साने के बा, फिर लोहिया काटे के बा, फिर बिले के बा, फिर पकाओ के बा, तब खाए के बा। ये बड़ा लंबा प्रोसेस बा। दूसर चीज कि आजकल के जो माहौल बटे वो में पारिवारिक दर्शक हमारा भोजपुरी सिनेमा से दूर जा रहा बटे। पहले लोग सिनेमा देखे जाता और जब ओकरा बढ़िया लगा था तब माई बहन के लेके जाता, पहले लेके देखे जाए। तो हमारा कहे का मतलब बटे कि निर्मात्री भैला के नाते दिव्या द्विवेदी जी के मतलब जिम्मर तनि बढ़ जाता है कि फिल्म जोन बा तो न में परिवार एक बार आवे, परिवार आवे और एक ख्याल हमारा बुझाता जी जरूर हुई। कहे कि रवि भैया के फिल्म, मनोज भैया की फिल्म जोन भी ओबरा बनत रहे, आज भी जोन बनत है, हमारा बुझाता कि वो बात का ध्यान रख रहा था। यही से हमारा तरफ से ये अवसर पर जोन हमाइल बनी तो भोजपुरी के तमाम जे लोग भी भोजपुरी में अपन तन मन धन से लागल बैठे सब केहू के हमारा तरफ से धन्यवाद बा। और ये फिल्म बहुत बढ़िया होके, बहुत बढ़िया बने, दर्शक पसंद करे, हमने के गर्व होके फिल्म पर ये सब हम एक शुभकामना देता नहीं, अपना तरफ से बधाई देता नहीं कि फिल्म बढ़िया से बनो और सबके उनके प्यार करो, सबके उनके फिल्म के प्यार करो। यही सब बात के साथ हम बाणी के विराम दे और माइक दोबारा प्रेम कुमार जी का। थैंक यू, प्रणाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जितने भी सज्जन गण हैं यहाँ पे सबको मेरा प्रणाम। और दिव्या जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, पटेल साहब निर्देशक जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, विनय भैया शत शत नमन आपको। आप लोग निश्चित तौर पे इस इंडस्ट्री के एक पितामह स्वरूप हैं आप लोग। और रवि जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे जीवन की शुरुआत ही रवि किशन जी के साथ हुई थी सिनेमा करियर की। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर हैं, एक बाई चांस है और एक बाई चॉइस है। अब रवि जी किस श्रेणी में आते हैं ये आप ही लोग तय करेंगे। बस इतना है कि इन्होंने जहाँ कदम रखा वहाँ से एक काफिला तो शुरू हो ही गया और सिनेमा का वो दौर था और आज भी दौर है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो ग्रेंजर, वो चमक धमक शायद थोड़े हद तक कम हो गई है, फ्लैश लाइटें भी कुछ कम हो गई है। नहीं तो याद है कि जब रवि जी के ज़माने में मुहूर्त होता था तो भव्यता जितनी थी। खैर ये भव्यता पुनः आएगी और आती ही रहेगी। बहुत सारे इस इंडस्ट्री में ऐसे निर्माता आ गए हैं जो बहुत विश्वास के साथ अभी ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे रत्नाकर कुमार जी हैं, संघर्ष इन्होंने बनाया और मल्टीप्लेक्स में लगा दिया, 40 मल्टीप्लेक्स में वर्ल्ड वाइड के माध्यम से लगी। तो शुरुआत तो हो रही है, अच्छी शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छे ऐसे निर्माता निर्देशक इस इंडस्ट्री में हैं। सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, भोजपुरी का हूँ, भोजपुरी का ही रहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू साहब। हम सबको अपना आशीर्वाद और प्यार अपने तरीके से अपने अंदाज में हम सबको दे। प्रणाम करब सब लोगन के। विनय भैया, उदेश और दिव्या जी आपके साधुवाद। इतना बढ़िया इनका एंकरिंग बा, इतना गुल सुन लीला अपने बारे में तो बुद्धिया बंद हो जाला, बड़ा लजाइला। काहे कि यू नो, जैसे रुआ लोग हमरा के जाना तड़ा इतने साल से, मेरी कहानी पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। एगो लड़ाई है तो आप अपने आप से भी लड़ाई, स्वयं से लड़ाई, समाज से भी एगो जरूरी रहेगी। भैया सब बोलते थे भोजपुरी के होते कि जनवाब मैंने भैया हमारा बहुत साथ देलन, करीबन हमारे 150 सिनेमा में हम 500-550-600 तक सिनेमा कह लेनी, उसमें 150-200 सिनेमा तो विनय भैया लिखे और कुल। तो
20,000 से ज़्यादा गाना लिख के, और विधायक जी हैं और मतलब आज इनको बहुत सम्मान आज अच्छा भाई दिव्या जी छोटा की लेकिन आपने अच्छा की, आपके पीआर ने भी मीडिया को बुलाया, सारे मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप लोग पहुँचे यहाँ और अच्छा लगा भोजपुरी का पढ़ा, भोजपुरी करते भले हम आए साउथ की कर रहे हैं या हम हिंदी की सारी बड़ी फिल्में इस वक्त कर रहे हैं या मैं हर भाषा में काम कर रहा हूँ लेकिन भोजपुरी कितने लोग कहते हैं कि हम छोड़ देने भोजपुरी या हम कम करीला, लेकिन भोजपुरी हम कभी ना छोड़ पाए, देखा ये आज गारंटी ले लो, भले मैं हॉलीवुड की फिल्म करने चला जाऊँ मैं और अब मतलब कोई, लेकिन भोजपुरी हमसे ना कहे कि भोजपुरी हमारे पहचान पा, हम चिरंजीवी सर के साथ अभी को सिनेमा कर रहे थे, जहाँ भी जाए ला हम की कल जला रही, ये भोजपुरी के हैं, ये भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, आज वट एवर जो भी हमारा नाम है, तो मेरी पहचान ही भोजपुरी है, भोजपुरी ने हमको जिंदा किया, हम तो अपना पता खोज रहे थे, भोजपुरी ने हम पर एहसान किया, ये भाषा हमने के माई के बोली अपन, और अच्छा सिनेमा बन रहा है, बनाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री ख़त्म तो होने वाली नहीं है, इंडस्ट्री तो चली कहें कि हमने लोग बहुत भाग्यशाली बने कि हमने लोगों के जो ऑडियंस बा वो बहुत ही लॉयल है, बहुत वफादार है, जैसे साउथ वाले ऑडियंस है, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि सब लोग इस भाषा को सुनने के लिए बुरी फिल्म भी देख रहे हैं, पंखा नहीं है तब भी कुर्सी में खीला निकल रहा है, पैर से चूहा गुजर रहा है, तब वो सिनेमा हॉल में बैठ रहे हैं, खैर अब सिनेमा हॉल भी बन रहे हैं, कुछ छोटे सिनेमा हॉल्स की भी प्लानिंग है, हम लोग की कोशिश है कि इसको करेंगे, भोजपुरी को जाने नहीं देंगे हम लोग, कहें कि यस हम लोगों को भोजपुरी को लेके चलना है और अच्छा अच्छा बनी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, अब इतना परिवार का चूल्हा जल रहा है और ये कर रही हैं आप एक महिला के रूप में, आपको साधुवाद आप मैडम आपको और आपके डायरेक्टर पटेल साहब को, कहाँ हैं पटेल साहब, यस साहब आई आई डायरेक्टर हैं फिल्म के, अमरपाली नहीं आई, अमरपाली शूटिंग कर रही हैं, तो अमरपाली ने कहा कि मैं नहीं आ पाई, लेकिन एक वीडियो संदेशा उन्होंने भेजा, वो शूटिंग कर रही हैं कहीं, कहाँ कर रही हैं, मीरा रोड चाइना क्रिक तो नहीं आ पाई, आप लोगों से मीडिया से क्षमा मांगा अमरपाली ने कि मैं नहीं आ पाई, क्योंकि हमारा ये कॉम्बिनेशन पहली बार आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अट्रैक्शन रहा, और मैं सबको साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, जल्दी से इसकी डेट्स निकाल के इनको दे दिया जाए, कब डेट्स कब शूटिंग करोगी हैं हमारे कब आ रहे अच्छा बिल्किस बैठी है पीछे देख रही है, तो ये डेट्स भी दे देंगे, और वर्ल्ड वाइड भी आ चुका है, निशान भी है यहाँ, तो सब लोग मतलब है ना ये पिक्चर हाथों हाथ आपके भगवान करे निकल जाए, टाइटल बहुत बढ़िया है, टाइटल मिल गया ना, अरे वाह मुबारक हो, महासंग्राम मिल गया बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बड़ा रामचंद्र यादव भी वहाँ से ले रहा है, तो सब लोग समझ रहे हो, देख रहे हैं सब लोग, अच्छा मीडिया वाले क्या ही इनको बढ़ा दो, ये सब लोग नए लोग हैं, इन लोगों को बढ़ा दो, आप ही लोग बनाते हो, आपने हमको मनोज बाबू को सब लोग को मीडिया बहुत उठाती है, नरसू भी वहाँ से देख रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है, 50 फिल्म करता है, उसके ऊपर टाइम ही नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, राजन मोदी आपका स्वागत है, आप मतलब आप भी आए हैं और जितने लोग भी आए मैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि भोजपुरी खातिर सब लोग पहुँचे, और मुझे लगता है 4-6 घंटा पहले ही लोग न्योता भेजा है, तो ये थोड़ा सा पीआर आप किस आपकी गलती है, किसकी गलती है, हाँ तार गलती वाले नहीं, तो अपनी गलती सुधारो, है ना, लग रहा था देखा सुन ले लिया, हम समझते तो सब हैं बाबू, खेला तो जानते ही कि कितने पहले बुलाए हो तुम सबको, वो जान रहे हैं, कोई बात नहीं मैडम अच्छा होगा, सेट पे ज़्यादा लोग को बुलाया जाएगा, हमको मालूम ही नहीं था, हम इनके भरोसे थे, लड़का नया है अभी, लेकिन पीआर में एकदम बवाल भौकाल होना चाहिए, हम लोगों को बहुत सारी लाइटें और बहुत सारा खेला देखने का आनंद मिलता, और सब लोग मिलना भी चाहते हैं, तुम जनवाओगे नहीं तो लोग मिलेंगे कैसे, तुमको देव आए हैं, देव को भी तुम्हारा भी साधुवाद, पूरा जितने लोग भी कुछ नाम भूल रहे हैं मैं सबको क्षमा चाहता हूँ, भैया भी हमारे वो पिंक टी शर्ट में, ये भी भोजपुरी के पुराने सिपाही हैं बहुत, हाँ उदय भैया हमारे साथ बहुत सिनेमा कहलन, निशांत को भी साधुवाद, सब लोगों के साथ हूँ, असलम हाँ पैजनिया वाले असलम शेख भी आए हैं, आदाब आदाब असलम भाई, आपको बाल वाल इनके छोट हो गए ना चीन पाएंगे,
तो बहुत अच्छा लगल सबके, बस जनवादा और हम और अमरपाली और अवधेश, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये बड़ा मजेदार होगा। यंग डायरेक्टर है, कर लोगे? अब बोलो क्या करोगे तुम, बताओ। तो सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और रवि जी को, अवधेश जी को, और विनय जी को, और महासंग्राम जो कि मैं राइटिंग कर रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं कहीं जहन में था, रवि जी आ रहे थे। आज से मैं 3 साल पहले मैं राइटिंग शुरू किया था, और मैंने एक दो फिल्में बनाई, लेकिन तो ये स्टोरी को कहीं कहीं मेरे जहन में आ रहा था कि रवि जी जब आएंगे, जब मेरा वो लेबल होगा और चाहे मेरे ढंग के प्रोड्यूसर मुझे मिलेंगे, तो मैं महासंग्राम जब बनाऊँगा तो रवि जी को ही लेके बनाऊँगा। और जी, और स्पेशली मैं जब वो कहानी लिख रहा था तो मेरे दिमाग में वही कैरेक्टर घूम रहे थे, वही इर्द-गिर्द रवि जी घूम रहे थे, और एक बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर अवधेश जी इसमें प्ले कर रहे हैं, जो बब्बन पांडे का कैरेक्टर है, जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि एक अलग पहचान बनाएगा। तो मैं अवधेश जी को मैं एक बार दो बार मिला था, लेकिन मैं बोला कि कभी होगा, संजो होगा तो हम लोग करेंगे। और जब मैं इनको नरेशन दिया, जी, तो आपसे पहले तो मैं मिला था तो बहुत डर लग रहा था, मैं ठीक से आपसे बात नहीं कर पाया था, कहीं कहीं मैं नज़र मिला के बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन तो जब इस फिल्म के मैं नरेशन के लिए मुझे बुलाया, अखिलेश जी ने मुझे बिठाया और अवधेश जी को मैंने नरेशन दिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने मुझे गले से लगाया, बोला कि नहीं अच्छा लिखा है। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने जो प्रयास किया है, कहीं कहीं थोड़ा सा एक कदम जो चलने की मैंने कोशिश की है, उस पर मैं सही ढंग से मैं कर पाया हूँ। और महासंग्राम जब मैं राइटिंग कर रहा था, इससे पहले पवन जी की एक फिल्म आई थी संग्राम, तो कहीं कहीं मेरे जहन में था कि महासंग्राम टाइटल जो मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है, जैसा कॉन्सेप्ट है उस ढंग से ये फिल्म भी है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत फिल्म है। जी, बहुत अद्भुत फिल्म है। और मैं राइटर, बेसिकली मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन तो मैंने कोशिश किया कि कुछ अच्छा लिखूं, और उसमें जो मेरा कोशिश है उसमें मैं जहाँ तक लगता है कि थोड़ा 2-4% में उस पर खरा उतरा हूँ। हाँ जी, और इस फिल्म में नया इसमें, क्योंकि मैं नया इसमें स्पेशली इसके वाले बोल सकता हूँ, नहीं, नया ये है कि इसमें आम्रपाली जी आ रही हैं साथ में, रवि जी के साथ में पहली बार हमने अप्रोच किया, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा था तो आम्रपाली जी बड़ी शूट हो रही थी इस कैरेक्टर के लिए, तो हमने आम्रपाली जी को अप्रोच किया। रवि जी से मैं पहली बार मिला तो सर ने पूछा कि इसमें हीरोइन किसको ले रहे हो, तो हमने सबसे पहले ऑप्शन आम्रपाली जी को रखा, तो सर ने बोला गुड, आप बात करिए और अच्छा है। तो स्पेशल ये है कि रवि जी को एक मैं नए एक नई चीज़ में करने जा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर यही है कि रवि जी उसमें बहुत अच्छा, इसमें हमको नागा साधु बना रहे हैं, अब हम लोग अब समझ रहे हो, ये चाका नया है तो चाह रहा है, बोलता है त्रिशूल लेके बाबा तुम नागा आओगे, और वो त्रिशूल भोकेंगे अवधेश मिश्रा को। मैं हूँ आम्रपाली दुबे, आज मेरी फिल्म महासंग्राम का मुहूर्त होने जा रहा है, जिसमें मैं पहली बार रवि किशन जी के साथ आने वाली हूँ, स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आई एम सो सॉरी, मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, मैं अभी सेट पर ही हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है, और मुंबई से थोड़ा दूर शूटिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। बट मेरी पूरी शुभकामनाएं इस फिल्म के पूरी टीम के साथ है, एंड आई विश आई वाज देयर, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं इस फिल्म को दें। तो सी यू इन महासंग्राम। इसको आप मीडिया वाले आशीर्वाद दो कि बढ़िया बड़ा प्यारो बने और बहुत आगे बढ़े, लेकिन मीडिया फिर ढेर लाओ, ठीक है? ये नहीं कि मतलब देखा जुगाड़ करत रहा, लेकिन अच्छे से करो, ठीक है? मेहनत भी करना पड़ता है। बंधुओं, और ये मौका है महासंग्राम भोजपुरी फिल्म, और जैसे आप लोग जान रहे हैं कि आजकल हम कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी सारी फिल्में बाटला हाउस, मरजावा, साउथ, ये वो वेब सीरीज़, तो उसमें भोजपुरी के लिए समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मरजावा सन की दरोगा के बाद आज इसका मुहूर्त हो रहा है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि इसमें आम्रपाली दुबे को सब लोग देखना चाह रहे थे कि भैया कभी आप उनके कॉम्बिनेशन में आओ, और इतनी बढ़िया आर्टिस्ट हैं आम्रपाली, तो आम्रपाली के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा। काशी अमरनाथ में वो दिनेश के अपोजिट थी, लेकिन मौका नहीं, लेकिन
ये मौका जो मिला है उसमें ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करेगा, और साथ में मेरे फेवरेट एक्टर जिनको आप लोग विलन के रूप में जानते हैं, मैं इनको एक्टर मानता हूँ क्योंकि अद्भुत हैं, अवघड़ टाइप के हैं। वो अवधेश मिश्रा हैं, मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, 20,000 गाने लिखकर हमारे विधायक भी हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के ये गौरव हैं। इनका नाम विनय बिहारी जी हैं, बगल में लाल साड़ी में बैठी हैं, ये हैं हमारी प्रोड्यूसर कम एक्ट्रेस दिव्या द्विवेदी पाटिल जी, और लेफ्ट में और बैठे हैं वो पटेल साहब। ये यंग लड़का, ही इज डायरेक्टिंग, डेब्यू डायरेक्टर हैं ये इनकी फिल्म है, और यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग सब इतने भारी तादाद में आए, और इस इनके नज़र में जो फिल्म कम बजट या छोटी बजट की थी, आप लोगों ने उसको आके इतना भव्य बना दिया। ये डायरेक्टर साहब पटेल साहब चाह रहे थे कि हमको विपरीत तरीके से पेश करें, इन्होंने एक थॉट रखा है, कहानी रखी है, और वो मेरे किरदार के बारे में वो बताएंगे क्योंकि उन्होंने इसको लिखा भी है, वो अच्छे शब्दों में बयां कर पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म मैं चाह रहा था करना, और उसमें अमरपाली अवधेश का कॉम्बिनेशन और एक नारी शक्ति के रूप में प्रोड्यूसर आई, तो मैंने इसको हाँ कर दिया। उस वक्त ये कहानी बुन रहे थे और मैंने इसके सेटअप को हाँ कहा, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये लोग ऐसे ऐसे कलाकारों को चुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये डायरेक्टर की सोच कुछ अच्छी होगी। आज वो सोच क्या है, उन्होंने क्या बुना, आज इस मुहूर्त पे बताएंगे, चूँकि हम शूटिंग इसकी अप्रैल में करने वाले हैं, सो ही इज़ गॉट अ टाइम ऑल्सो, और एग्जैक्टली क्या है ये बताएंगे, तो ये हमारी सोच है। जी राम जी, बता मीडिया दोस्तों को सबको नमस्कार करता हूँ। महासंग्राम जो कि एक युद्ध का आयाम हो रहा है, महासंग्राम से जो टाइटल है अपने आप में टाइटल ही बहुत पावरफुल है। जहाँ तक रवि जी के कैरेक्टर की बात है, तो रवि जी को मैंने इसमें एक बेमिसाल एक तरीके से इनको पेश करने की कोशिश की है, और रवि जी ने बहुत ही फिल्में की है, भोजपुरी में उम्दा फिल्में की हैं, अच्छी अच्छी फिल्में दी, तो मेरी भी एक कोशिश है कि एक अलग ट्रैक से हट के कुछ अच्छा करने की कोशिश, क्योंकि एक ट्रैक पर एक ढंग से करना तो अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा ऐसा करें कि जो रवि जी के साथ में मैं जुड़ रहा हूँ तो कम से कम अपने को भी गर्व हो कि मैंने कुछ अच्छा किया और मैं उसको करने में सार्थक हो पाऊँ। जहाँ तक रहा महासंग्राम का, तो बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जो कि एक फैमिली के साथ में भी आप देख सकते हैं, और बच्चे भी देख सकते हैं, बुजुर्ग भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कहानी ऐसी है जिसमें जो नव रस होते हैं, तो जहाँ तक के इमोशन भी है और भरपूर एक्शन भी है, गाने बड़े अच्छे हैं, छोटे बाबा जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और अवधेश जी की एक नए अंदाज में मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी, मेरी उम्मीद है कि भोजपुरी में एक नए तरीके से मैं अवधेश जी को इसमें पेश करूँगा, और अमरपाली जी हैं जो कि बड़ी आपकी वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं, तो बड़ी नटखटी ढंग से उनको उनका प्ले जो कैरेक्टर है वो नटखटी एक इनकी वाइफ का है, तो कहीं कहीं जो भी हमारे कैरेक्टर हैं वो अपने आप में एक उम्दा तरीके से मैंने कोशिश की है कि इसको पिरोया जाए और दर्शकों के सामने पेश किया जाए। शूटिंग हम लोग जौनपुर में और बनारस में करेंगे, यूपी के कई लोकेशन पर हम इसकी शूट करने वाले हैं। सेटअप अच्छा बताया, और इनका जुनून, इनका एक आंखों में जुनून, इसको आप जीवित रखिएगा अप्रैल तक जी। और ये हमको बड़ा अच्छा लगा इनके जो बातों में, ये अभी आप थोड़े हड़बड़ाए हैं, पहली बात है, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आप आ चुके हैं, अब जा नहीं रहे हैं, और इस सब लोग यही लाइटें, अब इसकी आदत आप डाल लीजिए, ठीक है, तो आप ये मस्त होइए और आप एकदम कहानी पे जाइए, क्योंकि कहानी चल रही है आजकल भोजपुरी में, जहाँ कहानी नहीं या हिंदी में नहीं, और सब सिनेमा मुंह के बल गिर रहा है, तो आपको कहानी पे काम करना है। क्या हम लोग सब हाथी हाथी को पाल लिए हो आप, तो हम लोग का चारा भी है, पब्लिक का भी चारा है, वो आपको बड़ा गौर करना होगा, तो वो आप एकदम मीडिया के सामने एकदम आनंद लीजिए और घबराइए मत, ठीक है, क्योंकि अब हम फिल्म कर रहे हैं, हम मुहूर्त पे आ चुके हैं, अब हम कर रहे हैं, अब आपको अच्छी फिल्म बनानी है और आप बनाओगे ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अमरपाली जी नहीं, हाँ शी शूटिंग, वो बेचारी शूटिंग कर रही हैं, और वो डेफिनेटली उतनी एक्साइटेड हैं, वो चाइना क्रिक में शूटिंग करी, उन्होंने वीडियो मैसेज भेज दिया, वो आप लोगों को फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आप प्ले करिएगा। मुझे लगा कि बहुत अच्छी, देखो अदाकारा हैं, और हम दिनेश को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग एक प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम करेंगे, और अमरपाली उतनी ईमानदारी से काम करेंगी, वो बाहर भी काम कर रही हैं,
तो वो मिथ उन्होंने तोड़ दिया कि मैं सिर्फ दिनेश के साथ काम कर रही हूँ, वो कलाकार के रूप में आ रही हैं और हम सबको और दर्शकों को इसका बहुत एक्साइटमेंट होगा और दर्शक उनको दर्शक वर्ग बहुत स्वागत करेगा उनका। बस अवधेश मिश्रा जो अपना रूप बदल चुका था पुनः उसको इसमें ला रहे हैं पटेल साहब खलनायक। बहुत दिनों बाद मैं फिर से करने जा रहा हूँ और अच्छी बात है कि रवि जी के साथ ही शुरुआती करियर भी खलनायक से किया था और पुनः बहुत दिनों बाद हम लोग का गैप हुआ है, बहुत बहुत जमाने बाद हम लोग मारपीट नहीं हुई है। जब हमारी मारपीट होती है तो फाइट मास्टर की आवश्यकता नहीं, पूरा सेट रुक जाता है, समय थम जाता है, तो इनका जो वार है वो हम ही बर्दाश्त कर पाते हैं और ये भी जुनूनी हो जाते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल पे पटकने लगते हैं। ये पहले कलाकार है जिनको देख के हम अपना आपा खो देते हैं सेट पर और मैं भूल जाता हूँ कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मैं इनको मारने लगता हूँ और ये मेरे उस रूप को स्वागत करते हैं, मतलब वो लेते हैं अपने शरीर पे, सांस रोक लेते हैं और मेरे पंच को लेते हैं और मैं इनको रियल मारता हूँ और एक ही मात्र कलाकार है देश में जिसको हम रियल मारते हैं और ये हमारा पेन या मेरे पावर को झेलना है, मेरा हाथ देखे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ वो लेते हैं, इनकी उसमें फसलियाँ तोड़ी है मैंने, इनका नाक एक बार नेपाल में तोड़ दिया है और अवधेश और वो मैजिक को हमारे दर्शक ने बहुत पसंद किया, इनके साथ बहुत मज़ा आता है मार करने में हमको और रियल फाइट करते हैं हम लोग, रियल एक्चुअली रियल फाइट मास्टर हट जाता है, कैमरामैन को मैं बस बोलता हूँ कट नहीं बोलना, जब तक ये गिर नहीं जाए तब तक कट नहीं बोलना। और ये सच है, एक फिल्म की बात है जो रेड वन पे पहली फिल्म बन रही थी जरा दुनिया तोरे प्यार में, वो मुश्किल से शॉट होगा एक आध दो शॉट के लिए वो एक्शन सीक्वेंस बना था और हम लोग कंटिन्यू 16 मिनट तक उस फाइट को तब तक कंटिन्यू किए पूरा ट्रेवलिंग करते करते जब तक वो कैमरामैन का शोल्डर नहीं दर्द कर गया, छोड़ दिया कैमरा, छोड़ दिया तब वो कट हुआ, नहीं तो हम पगला गए थे और हम पगला गए थे और उसके बाद उनका तुम्हारा सर पे इतना बड़ा गोटी बाहर आ गया, हथौड़ा मार, इतने एक्साइटेड हो गए कि इतना बड़ा हथौड़ा मेरे सर पे, मेरा सर नीचे गया और इतना बड़ा टेटर ऊपर, इनका बड़ा ऐसा गोटी बाहर आ गया था। एक्टिंग भी जब हम दोनों आमने सामने होते हैं एक फिल्म में तो आंखों में आंख डाल के बात करने वाला एक्टर के सामने मजा आता है परफॉर्म करने में, बिकॉज ही इज बेसिकली डबिंग आर्टिस्ट भी रहे हैं, अवधेश को ये बारीकियां पता हैं और अवधेश इस मामले में खेलता, ही नोज हाउ टू प्ले, पॉजेज पता है, शब्दों का चयन, पंचम खरज सब पता है, तो ही प्लेज वेरी वेल विद द लाइंस। बहुत मजा आएगा सब लोगों को, ऑडियंस डेफिनेटली देखना चाहेगी कि हम दोनों का कौन, अम्रपाली को भी बहुत मजा आएगा, हमको भी एक हम नगमा जी के बाद मुझे लगता है कोई इतनी सुंदर कलाकार के रूप में कोई आई है अम्रपाली दुबे और वो सच है और वो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा पहले दिन शूटिंग का और सब लोग देखना चाहेंगे कि दोनों का हम दोनों की केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। रवि जी जो फिल्में साउथ में बहुत सारी हों, हिंदी में बहुत सारी हों, बड़ी बड़ी, सवाल नहीं उठते हैं जहन में मन में कि कैसे करेंगे ये लोग, नई टीम है ये पता नहीं, ये आई और इनकी मासूमियत और इनकी सच्चाई, मुझे बहुत सच्ची टाइप की महिला लगी और इन्होंने आए हमारे दफ्तर में हमारे मैनेजर से समय लिया और वो कैमरामैन को हम जानते हैं, इनके जो कैमरामैन हैं उन्होंने काम किया हमारे सत्सन की दरोगा में तो वो द्वारा मुझे लगा कि शी विल डू इट, ऑनेस्टी लगी उनको, अब वो ज़्यादा सवाल हम किए नहीं क्योंकि हमारे जीवन में तो एक से एक ऐसे ऐसे आए हैं कि भाई चप्पल वो ठीक से नहीं पहने वो पिक्चर बना गए तो हम अब उस पर जाते नहीं कि तुम क्या करोगे, क्योंकि बड़े सूट बूट वाले को भी मैंने फ्लॉप शो होते हुए देखा, बड़ा भौकाल यहाँ टाइट करते हैं मुंबई में ऑफिस में और आउटडोर में जाते हैं पता चला कि कुछ नहीं है, यू नो ऐसे भी बहुत मेरे जीवन में 500-600 फिल्में कितने आए होंगे, तो अब हम दिमाग का गणित नहीं, महादेव महादेव करते हैं पहुँच जाते हैं, ईश्वर बना भी देता है, मतलब पिक्चर ही बनाएंगी ना आप और क्या, पिक्चर ख़त्म कर देंगे ना तो क्या चिंता क्या है, बना दोगी ना जी। अरे वाह तब क्या है, प्रोड्यूसर मैडम को पूछ लेते हैं, मैडम ये हमारे डायरेक्टर साहब और निखिल पाटिल जी के दिमाग में आई, डायरेक्टर साहब जी जरा बताएं तो क्योंकि मैं जब दिव्या जी को मैं नरेशन दे रहा था तो हम लोग पहले बैठे अपने में डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि रवि जी के अपोजिट किसको रखा जाए क्योंकि रवि जी के साथ में अंजना जी की बहुत फिल्में आ चुकी है
और रानी जी के साथ में आ चुकी है, तो बहुत तो हमने ये सोचा कि ये नया क्या होगा, दिमाग में आया था कि नया क्या होगा। तो मैंने दिव्या जी को बोला कि हम सबसे पहले ऑप्शन हम लोग अम्रपाली जी का रखते हैं, कहीं कहीं अम्रपाली जी आ रहे हैं तो हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए एक नई चीज़ होगी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले जो ऑप्शन रखा उसी पे हमने शुरू किया, काम अपना शुरू किया और कहीं कहीं वो हमारा बिल्कुल सक्सेस हो गया। देखिए सबसे पहले तो हम बधाई देंगे, मेरी हार्दिक शुभकामना जो है वो निर्माता और निर्देशक दोनों को है, और पहली बार रवि जी के साथ एक हीरोइन के रूप में लोग पसंद करेंगे। और जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है तो छोटे बाबा जो है वो शाहबाद की ज़मीन से है, प्योर भोजपुरिया है, उनके गानों में भोजपुरी जैसा कि उनके नस नस में है, तो भोजपुरी के मतलब गानों का संगीत जो है वो बखूबी जानते हैं। और अभी तो मैं एक निमंत्रण के साथ मैं आया हूँ, मुझे क्या जिम्मेवारी कितने गानों की मिलेगी मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूँगा, क्योंकि रवि जी को मैं रियल एक्टर मानता हूँ और इनकी फिल्मों में एक गाना भी लिखने को मिले तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मैं लिखना भी चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में इनकी लिखा हूँ, मेरी इनकी केमिस्ट्री अच्छी, ब्लॉकबस्टर रही है, सिल्वर जुबली रही है। मैं अभी मुझे जिम्मेवारी वो नहीं मिली है, मैं आज पहली बार निर्देशक और अपने निर्मात्री से मिल रहा हूँ, और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग भी शुभकामना अपना दें, नारी शक्ति अपना सशक्त प्रदर्शन करें और ये फिल्म बहुत अच्छी हो। महासंग्राम के महानायक भोजपुरी में तो विनय भी, हम लोगों ने बहुत सिल्वर जुबली फिल्में दी, 25-25 इनके साथ जो फिल्म आएगी, दर्शकों को थोड़ा सा चेंज ऊपर भी मिलता है तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पटेल साहब अच्छी फिल्म बनाएंगे और हमें जो जिम्मेवारी देंगे हम नीति पार्टी। ये बाटला हाउस एक फिल्म हम जॉन अब्राहम के साथ कर रहे हैं, एक फिल्म मरजावा है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, इसमें वेब सीरीज़ रंगबाज एक हमारा बहुत बड़ा हिट हुआ वो काटल है, और साउथ की फिल्म है चिरंजीवी सर, अमिताभ बच्चन साहब और हम, और वो बहुत बड़े बजट की फिल्म है। तो कुछ 5-6 प्रोजेक्ट इस लुक में चल रहे हैं, और अच्छा इस वक्त ये जो समय जो होता है ना, बॉलीवुड ने एक्चुअली हमको हमारा ड्यू देना शुरू कर दिया, और सारी फिल्मों में एक बहुत ही सशक्त और स्ट्रॉन्ग रोल और बड़े रोल के साथ अब मैं आ रहा हूँ, सब बड़े बजट की फिल्में, सबकी शूटिंग चल रही, बाटला हाउस तो मैंने फिनिश भी कर दी, अब मरजामा चल रहा है और काटल चल रहा है वेब सीरीज़, रंगबाज सीरीज़ 2 अब शुरू हो रहा है, इसमें सूरजभान सिंह की कहानी मतलब चंद्रभान सिंह की कहानी से शुरुआत होगी। जी जी, आज मेरी बात आप लोग गौर से सुनिएगा, वेब सीरीज आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस देश में, और वो आ चुका है, आगाज हो चुका है, वो सेक्रेट गेम रहा, मिर्ज़ापुर रहा, रंगबाज रहा, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री का आ रही है। अब सिनेमा का स्तर बहुत कहानी कंटेंट होना पड़ेगा, सिनेमा जाएगा नहीं लेकिन वेब सीरीज मुंह पर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सब लोग ट्रैवल करते हैं बस में और वेब सीरीज़ है मोबाइल पर, ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में बस में, सब लोग देख रहे हैं, 50 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं इस वक्त। वेब सीरीज़ जो भी मतलब भोजपुरी में भी हिट होगा, कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, और वेब सीरीज़ इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, हर एक्टरों को ध्यान देना चाहिए, हर टेक्नीशियन को वेब सीरीज़ का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, जिसको भी मिले, आने वाला समय बहुत बड़ा हो रहा है, एक बड़ी इंडस्ट्री वेब सीरीज़ के रूप में आ रही है, और एक आध साल में आप देख लेंगे। पटेल साहब, जब आपने जो वक्त चुना है, एक्चुअली सर से मेरी बात जब हुई थी, मैडम से नहीं, इनको हम धोखा नहीं देंगे, सर ने बोला था कि आप तैयारी करिए, और मई में हुई तो खत्म, इनका फिल्म खत्म, सिनेमा इनका भोजपुरी को छोड़ के हिंदी या कोई और फिल्म में रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोग, उनकी कमर स्ट्रांग है, भोजपुरी में अगर हम छोड़ के जाते हैं या मैं सेट पर लेट आता हूं तो प्रोड्यूसर मर जाता है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, हम लोग कभी भी सवेरे लेट नहीं आते और समय से पहले ख़त्म करने की कोशिश, टंगा के ख़त्म नहीं करना है भोजपुरी को। और
नहीं, मुझे सबसे ज्यादा इन्होंने मारा। मेरी नाक एक फिल्म कर रहे थे नेपाल के जंगल में, उल्टे हाथ से इन्होंने मार दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर और वो अजीब सी गर्मी थी, उमस लगे कि फीट आकर के गिर पड़े। उसमें नाक पे ये लगा और मेरी नाक एक्चुअल में मैंने सोचा सुना था कि नाक टूटती है और टेढ़ी हो जाती है, ये नाक यहाँ से यहाँ आ गई थी। और ये इतना हमसे ज्यादा ये घबराए, मुझे तो दर्द इस लेवल पे था कि दर्द का एहसास। नाक एक आदमी की यहाँ देखता हूँ और एक सेकंड में नाक यहाँ, हम तो यहाँ ऊपर से मेरे से ज्यादा घबराते हैं। हम घबरा कर क्या उसके करें क्या, तब ये मिरर दिखा रहा है मुझे कि अब देश तुम घबराना नहीं। अच्छा, नाक खून फेंक रहा है और नाक यहाँ आ गई है, सोचो आँख के वाले हिस्से में, यहाँ हड्डी बा और सरक के जा आ गई नाक। वो तो धन्यवाद हुआ एक फाइट मास्टर का, वो जंगली आदमी खुदगवा का वगैरह किया था, पहाड़ी आदमी था, तुरंत ऐसे पकड़ा इसको और कड़क से मार के बिठा दे इस नाक। अरे हमारे तो अभी भी टेढ़ा एक नाक, हम बोले पूरा जीवन कलंक लगेगा कि हम इसका नाक खत्म कर दिए। वैसे बहुत बहुत ज्वाला मंडी में इन्होंने मुझे आईसीयू में भेज दिया था। हाँ, वो कहानी तो उसमें गलती हमारी थी, लेकिन हमेशा सामने हमारे कौन होते हैं, महादेव। तुरंत आईसीयू में हमको लगा, मैं बेहोश भी हुआ। इन्होंने बिल्कुल मुझे नंगा भी किया, मुझे जितनी देर तक सेवा करनी थी गोद में भी उठाया और फिर आईसीयू, कट टू आईसीयू। इनका मूत्र वगैरह सब साफ की, सब वैनिटी में। हाँ, लिटरली तो बेहोश हो गई रहा। तो मैं उड़ा, ये केबल पे मैं उड़ के नीचे और पत्थर पे। सर सर, ये तो महासंग्राम है, इसमें खतरा नहीं। अरे बाप रे, होगा ये अगर इसने कर लिया तो सोचो बड़ा सोच के साइन किया होगा कि अब इसका क्या हशर होगा। अच्छा रवि जी, आप इन्हें मारते हैं ये तो हमें पता है, चलिए हमें पता चल गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप बचाते भी हैं। मुझे राजस्थान की शूट याद है, शायद हिंदी फिल्म के लिए, जब पूरी जीप उड़ी थी और आपके कंधे पे गिरी थी, आप खुद हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हाँ, मेरी 6 हड्डी टूट गई थी, हुआ था कि वो पलट गया था, फाइट मास्टर की गलती थी और जीप पलट गई। दो तीन फाइटर थे और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बूढ़े से थे मेरे साथ जीप में। हमको लगा जीप उनको कुछ लेगी, तो मैं सोचा अपने शरीर पे ले लूँ, मैं बचा लूँ, लेकिन जीप भूल गया कि इतनी जीप जीप होती है। उसने हमको कुचल के तोड़ दिया जीप ने हमको, लेकिन वो 3 लोग बच गए। हम 6-7 हड्डी, हमारा कॉलर बोन सब टूट गया और डॉक्टर हमको बोले अब तुम शायद अपाहिज हो या काम नहीं कर पाओगे। बड़ा मैं चिंतित हो गया था, लेकिन महादेव बचा लिए। सुनील शेट्टी अन्ना का फ़ोन आया कि तुम पानी है तुम्हारे बिल्डिंग में, स्विमिंग पूल है, उसमें चले जाओ। पानी में पट्टी उट्टी काट के पानी में घुस गया, पानी से मैं रिकवर हुआ, वाटर थेरेपी से। तो मेरे सारे हड्डियाँ जुड़ने लगी और मैं 40 दिन बाद फिर उसी फिल्म की शूटिंग कर लिया। तो मेरे पर कुछ ईश्वरी महादेव महादेव जो चिल्लाता हूँ तो वो भी पगलाए रहते हैं कि बुन को चिल्ला चिल्ला तो बोलते इसकी मदद कर दो यार, पगला है ये। हैं अरे बहुत देर से ये पूछना चाह रहे हैं इनको। हाँ, जॉन के साथ आज मेरी फिटनेस आप देख रहे हैं, मेरे 6 पैक आ रहे हैं थैंक्स टू जॉन अब्राहम। जॉन ने हमको फिटनेस मंत्र इतना बढ़िया दिया है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू जॉन अब्राहम। उसने मुझे खाने के बारे में बताया, इतना अच्छा मित्र, इतना अच्छा कोई एक्टर, मतलब मैं बहुत लकी रहा। और हम लोगों ने बहुत अच्छा समय, हम दोनों पुलिस ऑफिसर बने, बाटला हाउस जो कांड हुआ था दिल्ली में उस पर वो फिल्म बन रही है, निखिल अडवाणी सर बना रहे हैं। सो जॉन इज अ फैंटास्टिक मैन, और जॉन ने अगर कुछ सोच के कहा है तो बहुत बढ़िया ही कहा होगा, आज ही स्टेटमेंट दिए गए। ओके, वाह। वैसे रवि जी, आप जॉन के साथ फिल्म कर रहे हैं, सालों पहले तेरे नाम की थी आपने सलमान साहब के साथ, तब उन्होंने कोई फिटनेस फंडा नहीं बताया था उस वक्त। वो टाइम पर मैं नहीं, वो टाइम मैं पुजारी के रूप में था, मैं वो भी अलग रूप में थे, कुछ उनका उस समय कुछ अलग से चल रहा था उनके जीवन में, तो हम दोनों उस लेवल पर नहीं आ पाया और मैं भी उस लेवल पर फिटनेस में नहीं था उस टाइम। लेकिन हाँ, अब मैं जो भी मिलता है कलाकार, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कर रहा हूँ, अब मैं फिटनेस की बातें ज़्यादा करता हूँ सबसे। अच्छा, देखिए मैं, चलिए अभी पॉलिटिकल मैं नहीं बोलना चाहता था, पॉलिटिकली बोलते हैं। जितना मैं अभी, मैंने 5 दिन पहले एक सभा अटेंड की थी, मोदी जी भी थे वहाँ, मुझे जो दिख रहा है कि मोदी जी ने क्या किया है कि एक पूरा ग्रोथ का है ना, पूरा एक बिसात बिछा दिया है, सड़क से लेके स्वच्छता, शौचालय, माता पिता के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, वो सब कुछ उन्होंने
एक न्यू फ्यूचर, एक न्यू इंडिया के लिए कर दिया. अब वो उसका रिजल्ट आने का समय हो गया है. यू नो इट कैन कम. उनको एक मौका मिलना चाहिए. ही मस्ट कम. और उस सेल्फलेस वो सेवा कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं. और मोदी जी एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए. बिकॉज मैंने जब भी देखा है कि गठबंधन के साथ इतिहास उठा लो, जो भी पार्टी आई है 8 महीने चली है, 10 महीने चली है, 12 महीने चली है, 14 महीने चली है, सारे प्राइम मिनिस्टर्स में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी, तो कितने लोग तो मतलब 72 दिन में चले गए कुछ. वो हमारे देश, हमारा देश अब अफोर्ड नहीं कर सकता. हमारा देश एक मजबूत सरकार चाहता है. हमारे देश को इस वक्त एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है. और वो एक डर है. खैर, और इस पे हाँ तुम आखिरी सवाल. जो सरकार बनने के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया के लोग इनटॉलरेंस चिल्लाते थे, इनटॉलरेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, 4-5 सालों में कितना बदला है और क्यों बदला है कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से लगभग सपोर्ट में आई है? क्योंकि अब मोदी जी मिलने लगे हैं सबसे, अब बात करने लगे हैं, अब लोग पर्सनली उनसे जाके मिलने लगे हैं. सारे मित्र हमारे, हम तो मिल चुके हैं, लेकिन सारे मेरे जितने को एक्टर्स हैं जाके उनसे मिलने लगे, तब उन्होंने उनसे उनके साथ बातचीत की. और फिल्म इंडस्ट्री के प्रति भी हम लोगों का जो एक टैक्स का रवैया, वो भी डाउन हुआ. और वो बहुत सारी ग्रोथ सोच रहे हैं, उनको पर्सनल नॉलेज बहुत है हर मतलब वो ट्विटर पे भी अब जवाब दे रहे हैं. तो ही इज़ नाउ ओपन अप. पहले लग रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं, जैसे वो बात करने लगे इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री एक्चुअल मोदी जी क्या हैं वो जानने लगे. बट देश भी चाहता है कि मोदी जी एक बार ज़रूर रहें. और उनको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ज़रूरी है जो बहुमत के साथ रहे. ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम, ये भारत बहुत बड़ा है, इस भारत को चलाने के लिए 50,000 ब्रेन नहीं चाहिए, एक लीडर चाहिए जिसका ब्रेन हो और उसकी शाखाएं बड़ी हो. बट वी नीड गवर्नमेंट विच इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार, नहीं तो देश हिल जाएगा, हम लोग फिर 10-15 साल पीछे चले जाएंगे. प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका जी के साथ हम चुनाव लड़े थे, तो हमारे प्रियंका जी के कहने पे हम चुनाव लड़े थे, और राहुल जी के नहीं, प्रियंका जी से मुलाकात हुई थी और उनके बोलने पे हम चुनाव लड़े थे. तो प्रियंका जी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट. वो हैं बहुत ओरेटर, बहुत अच्छी बोलती, बहुत वक्ता, बहुत अच्छी. और इंदिरा जी की छवि उनमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उभर के आती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. रवि जी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा लगता है मोदी जी को प्रियंका जी से, बिकॉज़ क्योंकि राहुल से तो उनको खतरा नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी से उनको खतरा. सिर्फ मोदी जी के काम इतना फैल चुका है ना कि वो काम अब दिख रहा है लोगों को. आप जहाँ पे भी देखिए, पहले आज तक हमारे इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को स्वच्छता या शौचालय हमारी माताओं बहनों के लिए कभी नहीं बोला. आज हम भी कचरा गाड़ी में हाथ में पकड़े बैठे रहते हैं. ये एटलीस्ट मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरा पिता होता है, मेरे देश का पिता होता, वो हमारा सरदार होता, उसको हमारी हर चीज़ों पे ध्यान. वो मुझे चीज़ें बहुत, मेरे गांव में 70 साल हो गया सड़क नहीं थी, अब मेरे गाँव में सड़क बन गई. खाली हमने एक ही लेटर लिखा था केशव प्रसाद मौर्य जी को और योगी जी को. मेरे गाँव में अभी 75 शौचालय लग रहे हैं. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ना एकदम बायस्ड होके हम बता रहे हैं. हमारे गांव के मैंने फोटोग्राफ भी डाले थे फेसबुक पे सब जगह कि मेरे गांव में अब सड़क है. और मेरे गांव में नहीं तो बहुत, मैं एकदम देहात में रहता हूँ, जौनपुर बनारस में बॉर्डर में, मेरा बहुत पिछड़ा गांव है. तो वो सारी चीज़ें हैं. ये पॉलिटिकल आदमी है, मैं कलाकार हूँ नहीं. ये मतलब ये निर्दलीय, इनसे पूछना चाहिए था. देखिए मुझे तो लगता है कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है पहले जैसी नहीं रही. और इंदिरा जी के बाद कांग्रेस का जो है वो गिरा है स्तर. और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में यही कहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हिंदुस्तान को सबसे साफ सुथरा स्वच्छ अगर कोई प्रधानमंत्री मिला है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी. 5 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि घर निर्माण से लेके और शौचालय तक की सोच किसी प्रधानमंत्री में रही नहीं। तो मौका जो मिला उस मौके का उन्होंने सदुपयोग किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी एक राजनेता तो हैं ही, एक देशभक्त हैं। वंदे मातरम शब्द जो है हम लोग अब समझे हैं कि उसका मतलब क्या है। नहीं तो किसी खास व्यक्ति के नाम का जिंदाबाद किया जाता था और आज जो है भारत माता की जय बोला जाता, हर व्यक्ति भारत माता की जय वंदे मातरम बोलता है। और जो जो स्थिति बनी है उस स्थिति में काम करने वाले को पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। नहीं तो ईमान, भगवान और समाज का जो एक सिस्टम है उस सब से एक अच्छे व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा।